गोखरू के सामान्य रूप से लाभ आदि के विषय में आप सभी अवश्य ही जानते होंगे क्योंकि बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है। परंतु आज के इस वीडियो में मैं आपको इस औषधि के कुछ ऐसे लाभ से परिचित करवाने वाला हूं जिसके विषय में शायद ही आपने YouTube आदि के ऊपर देखा या सुना होगा। दोस्तों, ऐसी बहुत ही कम औषधियाँ होती हैं जो रसायन भी हो और वाजिकारक प्रभाव भी शरीर के ऊपर डालती हो। गोखरू उन्हीं में से एक है। केवल इतना ही नहीं, गोखरू के प्रयोग से गठियाबाज, जोड़ों का दर्द, सोजन का बने रहना या शरीर के किसी अंग में से खून का पड़ना, मूत्र व संस्थान से संबंधित विभिन्न प्रकार के विकार, पुरुष जननांगों की हर प्रकार की सामान्य और विशेष कमजोरी या फिर शुक्राणुओं की संख्या का कम हो जाना, इसी के साथ कमजोर पाचन तंत्र, पथरी की समस्या, महिलाओं के गर्भाशय से संबंधित विभिन्न प्रकार के विकार, बांझपन की समस्या में भी इस औषधि का प्रयोग प्रमुखता के साथ किया जाता है। साथ ही साथ गोखरू का लगातार प्रयोग आपकी रक्त शुद्धि करने का कार्य करता है, त्वचा स्वस्थ और सुंदर बनाता है, साथ ही साथ हमारी आँखों की ज्योति को भी यह बढ़ाने का कार्य करता है। चलिए अब थोड़ा विस्तार के साथ जान लेते हैं कि आखिर किस किस बीमारी में गोखरू का प्रयोग किन किन चीजों के साथ किस प्रकार किया जाए ताकि आपको सर्वश्रेष्ठ लाभ की प्राप्ति हो पाए। गठियाबाज, जोड़ों में दर्द, ऐसी अवस्था में आप गोखरू और सोंठ दोनों का बराबर मात्रा में प्रयोग करें। करीब 4-4 ग्राम की मात्रा में 2 गिलास पानी में इन्हें तब तक उबालें जब तक कि मात्रा 1/4 ना रह जाए। अब पूरे दिन में आराम से धीरे धीरे इसे घूट घूट करके आप कभी भी पी लीजिए। आपको कुछ दिनों में काफी सकारात्मक लाभ की प्राप्ति होती हुई निश्चित रूप से दिखाई देगी। वही पेशाब में रुकावट, पेशाब करते समय जलन की अनुभूति होना या फिर कम मात्रा में पेशाब का उतरना, इन सभी समस्याओं में सामान्य रूप से गोखरू चूर्ण का प्रयोग 4-5 ग्राम की मात्रा में पानी या दूध के साथ करने पर आपको काफी अच्छे लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। अगर समस्या अधिक है तो गन्ने के रस के साथ आप गोखरू चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं गुर्दे में पथरी होने की अवस्था में गोखरू चूर्ण का सामान्य रूप से प्रयोग करने पर भी लाभ की प्राप्ति होती है। परंतु बहुत से वैद्य ऐसी अवस्था में गोखरू चूर्ण का काढ़ा बनाकर उसे शीतल होने के पश्चात शहद मिलाकर प्रयोग करवाते हैं। वहीं कुछ वैद्य इस काढ़े में यवछार और पत्थर चट के पत्ते का रस मिलाकर भी प्रयोग करवाते हैं, तब और भी अधिक शीघ्रता के साथ गुर्दे की पथरी से छुटकारा प्राप्त होता है। वहीं जिन लोगों को आम के साथ दस्त लगने की शिकायत हो, वो यदि गोखरू चूर्ण का प्रयोग 4-5 ग्राम की मात्रा में छाछ के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आम की समस्या में आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ दस्त की समस्या में भी आपको बहुत ही अच्छे लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। और एक विशेष लाभ गोखरू के प्रयोग से ये होगा कि आपके शारीरिक बल और शक्ति में भी यह वृद्धि करने का कार्य करेगा। वहीं गुर्दे से संबंधित बहुत सी समस्याओं में गोखरू चूर्ण का प्रयोग काली मिर्च और शहद के साथ करवाया जाता है। वहीं प्रमेह रोग, जिसे आम भाषा में धात की समस्या के नाम से जाना जाता है, उस रोग में या फिर उस रोग के चलते उत्पन्न कमजोरी में गोखरू चूर्ण का प्रयोग बहुत ही अधिक लाभदायक रहता है। यहाँ निश्चित रूप से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, परंतु शर्त यही होगी कि आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य और विश्वास के साथ 4-5 ग्राम की मात्रा में मिश्र मिले दूध के साथ दिन में 2 बार इसका प्रयोग निश्चित ही धात की समस्या में बहुत ही अच्छे लाभ की प्राप्ति करवाता है। गोखरू के प्रयोग से न केवल प्रमेह रोग में संपूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है, बल्कि इसके चलते प्रमेह रोग के चलते उत्पन्न कमजोरी को भी यह दूर करने का कार्य करता है। वहीं स्वप्न दोष की समस्या से पीड़ित रोगियों को भी प्रमेह रोग वाले नुस्खे से निश्चय लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। परंतु मैं सलाह दूंगा कि रात्रि के समय दूध या दूध से बनी चीजों का प्रयोग ना करें। ऐसी अवस्था में गोखरू चूर्ण का प्रयोग आप रात्रि में शहद के साथ कर सकते हैं, तब भी आपको समान लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं महिलाओं के प्रजनन अंगों को बल प्रदान करने के उद्देश्य से गोखरू और मुलेठी चूर्ण का बराबर मात्रा में मिश्रण बनाकर 4-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम मिश्र मिले दूध के साथ प्रयोग करने पर काफी लाभदायक परिणाम प्राप्त होते हैं। की संख्या को बढ़ाने के लिए या फिर उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए गोखरू, सतावर और कोच बीज चूर्ण, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर आप रख लें। फिर 5-7 ग्राम की मात्रा में दूध में खूब अच्छे प्रकार से इन्हें उबालकर मिश्री डालकर इनकी खीर बनाकर आप खाएं। निश्चित रूप से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी और साथ ही साथ आपकी शारीरिक क्षमता और बल में भी यह वृद्धि करेगी।